आत्माएं विदेशी धर्मखंडों में दबेंगी बर्फ में, वो लोग भी पहले ही जन्म में उधर से इधर आ जाएंगे। आएंगे आएंगे। स्टूडेंट, द सोल्स हु विल बी बेरीड इन आइस इन फॉरेन लैंड्स, दे विल ऑल्सो कम हियर फ्रॉम देयर इन द फर्स्ट बर्थ। बाबा, दे विल। और बोल रहे कि ना मना विदेशी धर्मखंड से इधर आएंगे ना, तो उस मना पैदल चल के आएंगे तो काफी समय लगेगा, या फिर उड़ान से मना पक्षियों उड़ करके आएंगे, कैसे आएंगे? स्टूडेंट, एंड इट इज सेड व्हेन दे कम हियर फ्रॉम फॉरेन लैंड्स, विल दे ट्रेवल ऑन फुट और विल दे टेक अ फ्लाइट, हाउ विल दे कम हियर? बाबा ने कहा वहाँ बढ़िया बढ़िया एरोप्लेन होंगे। बाबा हैज सेड देयर विल बी द बेस्ट एरोप्लेन्स देयर। ओ, एक्सीडेंट प्रूफ होंगे। दे विल बी एक्सीडेंट प्रूफ। नहीं बोला? हैजंट दिस बीन सेड? बोला है। स्टूडेंट, इट हैज बीन। बोला। तो ऐसे ऐसे सतोप्रधान पक्षी भी होंगे। सो देयर विल बी सच सतोप्रधान बर्ड्स एज वेल। ऊंची उड़ान उड़ने वाले। देयर फ्लाइट विल बी वेरी हाई। क्या? व्हाट? और जो आज के रॉकेट वगैरह हैं, इनकी गति धीमी होगी कि उनकी गति धीमी होगी? एंड द रॉकेट्स एटसेट्रा ऑफ टुडे, विल देयर स्पीड बी स्लोवर इन कंपैरिजन, और विल देयर स्पीड दैट इज ऑफ द गोल्डन एज बर्ड्स बी स्लोवर? ये मनुष्यों के बनाए हुए हैं। स्टूडेंट्स, द स्पीड ऑफ द रॉकेट्स इज स्लोअर, दीज आर मैन मेड। और वो? एंड व्हाट अबाउट देम? वो डायरेक्ट भगवान की रचना की बनाई, प्रकृति की बनाई हुई। दे आर द डायरेक्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, द क्रिएशन ऑफ नेचर। वो पक्षी तो न्यू हवा की तरह आएंगे। दोज बर्ड्स विल फ्लाई एट द स्पीड ऑफ द विंड।